मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब नगरपालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफ्तर परवेज की। उन्होंने जलीलाबाद हाशमी नगर के लोगों को पीने के पानी की सौगात देते हुए यहां बने आरओ प्याऊ का फीता काटकर उद्घाटन किया। पालिका चेयरमैन डॉक्टर अफ्तर परवेज ने कहा कि वह अमरोहा की आवाम की खिदमत इसी तरह करते रहेंगे। चेयरमैन का कहना था कि अमरोहा की आवाम ने जिस भरोसे के साथ उनको पालिका चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचाया था, उन्होंने अपने कार्यकाल में अमरोहा के लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। पालिका चेयरमैन डॉक्टर अफ्तर परवेज ने अमरोहा की जनता को यकीन दिलाया कि वह यहाँ के लोगों की खिदमत इसी तरह आगे भी करते रहेंगे। इस मौके पर हाशमी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने चेयरमैन डॉक्टर अफ्तर परवेज का उनके कार्यों के लिए आभार भी जताया। इस मौके पर नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार रस्तोगी, जलकल विभाग नगरपालिका परिषद के जेई सहित अन्य लोग मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट फॉर्मिस मशकूर के साथ आशिकीन कवरेश की रिपोर्ट। आज यहां हाशमी डिग्री कॉलेज के पास नगरपालिका परिषद अमरोहा ने प्याऊ लगाया है जो फिल्टर पानी आवाम को देगा। नगरपालिका परिषद लगातार इस कोशिश में है कि पानी, पीने के पानी का जहां हम वाटर सप्लाई के अतबार से बहुत बेहतर इंतजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर जो सार्वजनिक जगहें हैं, जो ऐसी जगहें हैं जहां पर आमोदरफ ज़्यादा रहती है, वहां पर हम ठंडे पानी की मशीनें लगाकर लोगों की खिदमत करने का काम कर रहे हैं। पानी लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि जितना ये इम्पोर्टेंट है, जितना ये ज़रूरी है, जितना ये कीमती है, शायद हम इसका ख्याल उस वक्त नहीं रखते हैं जब हम अपने हाथों से बहाते हैं। लिहाजा मैं इस मौके पर तमाम अपने अहले वतन से ये कहना चाहूँगा कि पानी, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है या जहाँ जो लोग मुझे देख रहे हैं, पानी का बेहतर और सही इस्तेमाल करें ताकि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारे अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये माना जा रहा है कि अगर कोई आलमी जंग होगी तो वो पानी को लेकर होगी, तो हम उसकी फिक्र आज करें। और नगरपालिका परिषद लगातार हमारी नई टंकियां बनाई जा रही हैं और आगे भी काम किया जा रहा है। हमारे ईओ साहब और हमारे पूरा जेई, हमारे जल निगम और तमाम स्टाफ हमारा इस कोशिश में है कि नगरपालिका से होने वाली तमाम ऐसी सुविधाएं जो जनहित में ज़्यादा बेहतर हैं उनको अमली जामा पहनाने का काम करें। मैं इस मौके पर एक बार फिर हाशमी साहब की मौजूदगी में यहाँ पर तमाम साथियों से कहूँगा कि पानी की जो एक तरीके से हमारी नई अहमियत है, उस अहमियत को महसूस करें और पानी को बेतरतीब और बेवजह इस्तेमाल या ख़राब न करें। हम सब लोगों के लिए, तमाम तर कॉलेज परिवार के लिए, हाशमी नगर के तमाम रहने वालों के लिए बड़ा खुशी का मौका है कि आज हमने जो चेयरमैन साहब से, डॉक्टर अफसर परवेज साहब से, कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से दरख्वास्त की थी, क्योंकि यहाँ 8000 बच्चियों का आना जाना रहता है, सामने हॉस्टल भी है, विकारुल मुल्क चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है, मतलब मेमोरियल स्कूल भी है और तमाम बस्ती के हाशमी नगर के लोगों का यहाँ आना जाना रहता है, इसकी यहाँ बड़ी अशद ज़रूरत थी। हमने चेयरमैन साहब से दरख्वास्त की और उन्होंने हमारी अदना सी दरख्वास्त को कबूल किया। इसके लिए हम हाशमी मैनेजमेंट की तरफ से, हाशमी ग्रुप की तरफ से अपने जेई जो हैं हमारे वाटर वर्क्स के, उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं और ईओ साहब के भी जो हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और शहर के विकास के लिए जहाँ चेयरमैन साहब की प्लानिंग है उसमें उनकी भी मशवरे रहते हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं और मशकूर ममनून है कि इस पानी की टंकी के साथ साथ जिस तरीके से हवा हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, इसी तरीके से लिए हमारा पानी भी ज़रूरी है।